हेलो एवरीवन, डॉली किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने सूजी के कुरकुरे स्नैक्स बनाने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे लगेंगे और बहुत ही इजी हैं ये। इसे बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं सूजी के कुरकुरे स्नैक्स। सूजी के स्नैक्स बनाने के लिए हमने लिया है एक कटोरी सूजी, आधा कटोरी दही, थोड़ा सा ये हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और एक पिंच बेकिंग सोडा, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, चाट मसाला, ये हमने हींग लिया, हींग को थोड़ा सा हमने पानी के अंदर डिप कर लिया है, ये हमने एक छोटा चम्मच नमक और एक बड़ा प्याज कटा हुआ, ये हमने लिया है कसूरी मेथी, फ्लेवर के लिए ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप ले लें, अगर ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बाउल के अंदर डालेंगे सूजी, प्याज, दही, दही को हम अच्छे से सूजी के अंदर मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, हरा धनिया, चाट मसाला, ये हमने हींग डाल दी है, हींग से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, नमक, ये है बारीक कटी हरी मिर्च और कसूरी मेथी, इसको हम क्रश करके डालेंगे इस तरह से, और बेकिंग सोडा, इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है अच्छे से। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी स्नैक्स हैं ये, और बहुत कुरकुरे बनते हैं क्योंकि सूजी के हैं और बहुत ही अच्छे बनते हैं ये। थोड़ा सा इसके अंदर हम पानी डाल के इसका बैटर तैयार कर लेंगे। हमने प्याज भी ज़्यादा डाला है थोड़ा, क्योंकि प्याज का फ्लेवर स्नैक्स के अंदर बहुत ही अच्छा लगेगा। बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं ऐसी होनी चाहिए, इसे हम 10 मिनट के लिए रख देंगे क्योंकि सूजी जो है वो फूलती है पानी के अंदर और उसे फूलने के लिए टाइम चाहिए। 10 मिनट के बाद हम इसके स्नैक्स बनाएंगे। इतने में हम तेल गर्म कर लेते हैं। ये हमने एक पैन के अंदर तेल डाल दिया है और तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। 10 मिनट के बाद सूजी हमारी फूल चुकी है, आप देख रहे हैं ये स्नैक्स के लिए सूजी जो है तैयार है। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम थोड़ा सा डाल के देखते हैं, आप देख रहे हैं कि तेल पूरी तरह से गर्म है। अब इसके अंदर हम इस तरह से स्नैक्स के लिए डालेंगे, आप चाहें तो अपने हाथ से भी डाल सकते हैं। एक बार हम इनको पलट देते हैं, आप देख रहे हैं कि स्नैक्स जो हैं हमारे ब्राउन हो गए हैं, थोड़े से और ब्राउन कर लेते हैं हम। हमने फ्लेम मीडियम कर रखी है क्योंकि बहुत हाई पे नहीं हम बनाएंगे स्नैक्स, ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए हम इसे मीडियम फ्लेम पर ब्राउन करेंगे। तो बहुत ही कुरकुरे बनेंगे और बहुत टेस्टी बनेंगे ये। आप देख रहे हैं स्नैक्स जो हैं बिल्कुल ब्राउन हो चुके हैं, बहुत ही अच्छा कलर आया है। इसे हम किचन टॉवल पेपर पर निकाल लेते हैं ताकि इसका एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो पेपर के ऊपर आ जाए। ये हमारे स्नैक्स बनकर तैयार हैं, इसे हम सर्व करते हैं। आप सॉस के साथ सर्व करेंगे, इसे हम ग्रीन चटनी या टमाटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप थोड़ा सा चाट मसाला इसके ऊपर भी डाल सकते हैं, सर्व करने टाइम इस तरह से चाट मसाला ऊपर डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छे और बहुत ही कुरकुरे स्नैक्स बनकर तैयार हुए हैं, बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है इसका। किसी भी ओकेजन पे या किसी भी गेस्ट के सामने इसको सर्व करना हो तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही एक्स्ट्रा लगते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।